अगर बात करें बॉडी के स्ट्रक्चर की, तो हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल जो मिलके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। हालांकि जो सेल होती है उसमें भी छोटे छोटे कोशिकांग यानी कि छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, वो होती है। लेकिन बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई हालांकि सेल को माना जाता है ना। अब बात करें सेल की, तो सेल अलग अलग टाइप की सेल्स जो होती है वो बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे कि लीवर में हेपेटोसाइट सेल होती है, न्यूरॉन जो होती है ब्रेन में होती है ना, ऐसे सेल्स होती है। अब ये सेल सारी आपस में जुड़कर टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है ना, टिश्यू बनाती है, और ये टिश्यू जो आगे जाके मिलके ऑर्गन बनाता है, जैसे कि लीवर है, हार्ट है, किड ब्रेन है ना, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स बनते हैं। और आगे ये इन्हीं ऑर्गन से मिलके पूरी बॉडी का बॉडी में अलग अलग सिस्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि हार्ट मिलके, हार्ट और कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स होती है वो मिलके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ब्रेन जो होता है वो नर्व्स के साथ मिलके नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र बनाता है। और फाइनली अगर बात करें तो सारे जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम एक साथ मिलके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, फॉलो कीजिए।